सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आधार कार्ड को डाउनलोड करने के बाद उसे कैसे वेरीफाई करवाते हैं? जब हम ऑनलाइन आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो उसे वेरीफाई करने की जरूरत होती है। जब तक हम उसे वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता है। जब हम ऑनलाइन आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब देखिये, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे QR कोड के पास में आपको एक क्वेश्चन मार्क का आइकन मिलेगा और ऊपर लिखा हुआ है सिग्नेचर नॉट वैलिड। अब देखिये, मैंने इसे थोड़ा जूम कर दिया तो अब आपको ये अच्छे से दिखाई देगा। तो आपको इस सिग्नेचर को वेरीफाई करना होता है। जब तक आप इस सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपका आधार वैलिड नहीं माना जाएगा। अब देखिए, यदि आपने किसी ब्राउजर में आधार कार्ड की PDF को ओपन कर रखा है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो कोई भी रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, अभी मैंने इसे ब्राउजर में ओपन कर रखा है तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए आपको पहले Adobe Reader सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इस सॉफ्टवेयर को कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं उसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वेबसाइट में आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको उसी वेबसाइट में मिल जाएगा। ओके, तो इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब चलिए हम अपना आधार कार्ड Adobe Reader के अंदर ओपन करते हैं। ये रहा हमारा आधार कार्ड और इसे हम Adobe Reader के अंदर ओपन कर लेंगे। ओके, अब देखिए हमारा आधार कार्ड Adobe Reader के अंदर ओपन हो गया है और ये रहा हमारा सिग्नेचर। Adobe Reader के अंदर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा वैलिडिटी अननोन। ओके, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सो सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, इस नई विंडो के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो इन ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रस्ट के नाम से, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा एड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद नीचे तीन ऑप्शन और ओपन होंगे, तो आपको इन तीनों ऑप्शन के ऊपर भी टिक कर देना है। ओके, इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वैलिड सिग्नेचर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सिग्नेचर है वो वैलिड हो जाता है और आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद इस विंडो को क्लोज कर दीजिए और अब आप अपने आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यदि आपके अभी भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।